हे एवरीवन, मैं मयंक हियर एंड आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को, चेक वेदर अ पास्ट लेटर इज अ वोवल और नॉट। पहले काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले हमें यूजर से एक इनपुट लेना है। लेट्स से एक्स मेरा यहाँ पे एक वेरिएबल है और हम इसके अंदर इनपुट लिखेंगे आई एन पी यू टी। एंड इनपुट जो होगा हमारे यहाँ पर, हम पूछ लेते हैं लेट एंटर अ नंबर। ओके, एंटर अ सेंटेंस। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे यार कि आपको लेटर चाहिए, आप सेंटेंस क्यों मांग रहे हो। वेल द रीजन इज दैट केक एक वोवल को, एक लेटर को बताना कि वो वोवल है, यानी काफी सिंपल सी बात है यार, ए आई ओ यू में से कोई एक होगा तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस पूछता हूँ या फिर एक पैराग्राफ मांग रहा हूँ यूजर से, तो उसमें पता लगाना है यार कि इसमें कितने वोवल्स है, कितने मेरे पास वोवल्स नहीं है, ये पता लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एंटर द सेंटेंस मांग रहा हूँ बजाय एंटर द लेटर के। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप यहाँ पे लेटर भी लिख सकते हो और एक सिंगल लेटर भी एज ए इनपुट स्टोर करवा सकते हो। बट मैं यहाँ पे एक सेंटेंस मानता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ मेरे फॉर लूप के अंदर। और एज यू नो दैट हाउ फॉर लूप वर्क्स, यहाँ पर हमारे पास आई होता है, उसके बाद हम इन लिखते हैं और एक्स लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर आई जो है वो ट्रावर्स कर रहा है थ्रू आउट दिस स्ट्रिंग, है ना। अगर इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पर लेट्स से मयंक, तो ये क्या करेगा, आई आई इनिशियली अपनी वैल्यू एम कर लेगा, फिर ए कर लेगा, फिर वाई कर लेगा, फिर ए कर लेगा, फिर वापस एन कर लेगा, फिर के कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से थ्रू आउट द स्ट्रिंग ट्रावर्स करेगा। ओके, सो फॉर लूप के अंदर हम क्या करते हैं, अब सबसे पहली चीज जो हमारी है वो ये है कि हम फॉर लूप के अंदर एक इफ कंडीशन डालते हैं। इफ कंडीशन में हम ये लिखेंगे क्या आई की वैल्यू मेरी ए के बराबर है। वेल मैं ए के बराबर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना है क्या आई की वैल्यू मेरी ए ई आई ओ यू में से किसी एक के बराबर है। तो मैंने ये तो चेक कर लिया, वैसे ही मैं और लगा कि क्या आई की वैल्यू मेरी बी के बराबर है, चेक कर सकता हूँ। नहीं, बी तो होता ही नहीं है, ए ई होता है फिर, है ना। सो लाइकवाइज मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ सारी वैल्यूज, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि मैं इतना सारा ना लिखूँ। ओके, सिंपल सिंपल। ओके, सो नाउ ए ई एंड देन वी हैव आई ओ हियर एंड देन वी हैव आई ई ओ एंड देन वी हैव यू। ओके, सो इतनी सारी चीजें लिखने के बाद हम यहाँ पर अभी कॉलन लगा देते हैं एक और इसके अंदर हम लिखते हैं कंडीशन, कुछ कंडीशन लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट। अब हमें प्रिंट क्या कराना है, अब हमें प्रिंट यहाँ पे आई कराना है। आई बेसिकली होगा क्या, ए ई आई ओ यू में से कुछ होगा, मतलब जैसे जो भी मेरे यूजर ने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया है उसमें से मैं बताना चाहता हूँ कि यार ये स्ट्रिंग जो है ये किस टाइप की, मतलब क्या कंटेन कर रही है, इसका जो भी वोवेल है वो क्या है, ए ई आई ओ यू में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर एज यू कैन सी दैट यहाँ पर वोवेल है मेरा ए और दूसरा वोवेल भी मेरा ए, तो ये ए ए दो बार प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया। और प्रिंट के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे काउंट भी करना है कि ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल मान लेता हूँ। वेल यहाँ पे तो नहीं मान सकता मैं, तो मैं यहाँ पर काउंट नाम का एक वेरिएबल मान लेता हूँ, उसको असाइन कर देता हूँ जीरो से। ऐसा करने से क्या होगा, इनिशियली मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ वोवल्स है वो जीरो हो जाएंगे। अब यूजर ने कुछ भी वैल्यू डाली, इनिशियली नंबर ऑफ वोवल्स जीरो है, फिर वो चेक करेगा क्या एम एक वोवल है, एम वोवल नहीं है, फिर वो चेक करेगा क्या ए एक वोवल है, हाँ है, तो वो ए यहाँ पर आई इक्वल्स टू इक्वल टू ए हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये प्रिंट करा देगा आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या होगी मेरी ए। अब आई की वैल्यू ए हो गई, उसके बाद ये क्या करेगा, काउंट को क्या कर देगा, काउंट प्लस वन कर देगा। फिर काउंट काउंट प्लस वन क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पहला मेरा वोवल मिल चुका है तो मुझे वन प्लस वन कर देंगे। वैसे ही वाई के लिए चेक करेगा तो इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, मतलब ये इफ वर्क ही नहीं करेगा, वर्क ही नहीं करेगा तो काउंट की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। फिर से जब ए की वापस हमारे पास यहाँ पर ए आ रहा है, आई की वैल्यू अब हम ए कर रहे हैं, इस केस में अब क्या होगा, यहाँ पर ये यह पहले वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हम इसके अंदर आएंगे, फिर से हम ए प्रिंट कराएंगे और यहाँ पर फिर से काउंट की वैल्यू वन से इंक्रीमेंट होकर टू हो जाएगी। ठीक है, तो एट लास्ट हमारे पास दो वेरिएबल दो वोवल्स है और हमारे पास यहाँ पर जो काउंट की वैल्यू वो भी टू आ रही है। सिंपल, सो सिंपल ये। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और इफ लगाते हैं। और इस इफ का मतलब क्या होगा, ये इफ क्या डिफाइन करेगा कि क्या मेरा जो काउंट है वो जीरो के बराबर है। मतलब अगर ऐसा होता है इसका मतलब क्या है, ये इफ स्टेटमेंट वर्क ही नहीं किया, तभी तो यार यहाँ पे काउंट काउंट प्लस वन नहीं हुआ और काउंट हमेशा जीरो ही रह गया। एज यू कैन सी ओवर हियर इट्स जीरो। सो इसका मतलब क्या होगा, जब ये कभी वर्क ही नहीं करेगा, मतलब मेरा जितना भी लाइन है, मैंने जितने भी लाइक कैरेक्टर्स यूज किए मेरे स्ट्रिंग के अंदर, उनमें से कोई भी कैरेक्टर वोवेल है ही नहीं, उस केस में मेरा जीरो आएगा। और उस केस में मैं क्या लिख दूंगा, प्रिंट नो वोवेल फाउंड। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होते हुए नो वोवेल फाउंड। सिंपल, सो आफ्टर राइटिंग दिस लेट मी जस्ट मूव टू द डाउन एंड एल्स। अब एल्स पार्ट में काफी सिंपल सी बात है, एवरी वन कैन से हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे नंबर ऑफ काउंट्स, कितने वोवल्स है वो। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं नंबर ऑफ वोवल्स, सो नंबर ऑफ वोवल्स इक्वल्स टू लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट। सो अब काउंट की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे फिर प्रिंट हो जाएगी। और अगर हम इस चीज को रन करते हैं यहाँ पर, यू कैन सी एंटर अ सेंटेंस मयंक, सो इसके लिए दो ए प्रिंट हो रहे हैं, एज यू कैन सी भैया दो ए प्रिंट हुए, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ जो वोवल्स है वो दो आ गए। ठीक है, तो काउंट दो बार इंक्रीमेंट हुआ, काफी सिंपल सी बात है। वापस रन करते हैं एक बार और इस बार कुछ सेंटेंस लिखते हैं। लेट्स से मयंक इज
बेस्ट कोडर, आई डोंट थिंक सो, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट. ओके, सो इस स्टेटमेंट की तरफ क्या हो रहा है, इस बार ये पूरा स्टेटमेंट है तो इसमें टोटल 6 वॉवल्स है, A E I A A I E O E. ओके, सो वी हैव 6 वॉवल्स ओवर हियर. सो लाइकवाइज यू कैन जस्ट पुट एनी स्टेटमेंट ओवर हियर एंड यू कैन चेक कितने इसमें वॉवल्स है. बट वॉट इफ आई से कैपिटल A? वेल, इस केस में आप लोग बोल रहे होंगे कि यार एक वॉवल तो है, कैपिटल A एक वॉवल है. बट एज यू कैन सी यहाँ पर हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो हम बस स्मॉल लेटर से कर रहे हैं, लोअर केस से कर रहे हैं, अपर केस को तो हम देख ही नहीं रहे. अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का पहला तरीका तो ये होता है यार कि वेल प्रॉब्लम पहले बता देता हूँ. लेट्स से यहाँ पे ये मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पर आ रहा है नो वोवल फाउंड. बट क्योंकि हमने ए एज अ वोवल, हमको पता है ये तो वोवल है, हमने नहीं माना, वो बात अलग है, बट ए वोवल है. अब इस चीज को गेन कैसे करें, तो बेसिकली हम करते हैं कि हम यहाँ पर लिख देते हैं लोअर. अब यहाँ पर लोअर करने से क्या होगा, जो भी आपने वैल्यू डाली है एज अ इनपुट वो लोअर केस में कन्वर्ट होगी, फिर एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी. बट यूजर ने वैल्यू कुछ और लिखी है, स्टोर कुछ और हो रही है, क्या ये राइट है? वेल नहीं है, तो हम यहाँ पर लोअर नहीं लिखेंगे, हम इसे लोअर को हटा देंगे. वेल ये एक बार लिख के देखते क्या होता है. लेट्स से लोअर मैंने लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया ए. अब ए इस बार एक वोवल के तरीके से ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ वोवल्स 1 हो जाएंगे. बट यू कैन सी ओवर हियर के यहाँ पर जब हम प्रिंट कराते हैं जो वोवल है उसको, तो स्मॉल लेटर में आ रहा है, वो स्मॉल केस में आ रहा है, जो कि चीज गलत है यार. अगेन तो हम यहाँ से इसको पहले हटा देते हैं, ये हमारी चीज जो है वो गलत है. अब क्योंकि ये गलत है तो कुछ और सही तो होगा ही होगा. वेल कुछ और सही क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आई है. अब आई बेसिकली क्या है, आई क्या कर रहा है, लेट्स से मैं यहाँ पर मेरे नाम को कैपिटल कर देता हूँ मयंक. अब आई बेसिकली क्या करेगा, आई जाएगा पहले कैपिटल एम देखेगा फिर कैपिटल ए देखेगा. अब कैपिटल ए को वो स्मॉल ए से कंपेयर करेगा, तो क्यों ना मैं आई को कंपेयर करने की बजाय लोअर ऑफ आई को कंपेयर कर दूं. मतलब मैं पहले आई को लोअर केस में कन्वर्ट करूं फिर कंपेयर कर दूं. इस केस में क्या होगा, जैसे कैपिटल ए जाएगा वो पहले स्मॉल ए में हो जाएगा और उसके बाद वो स्मॉल ए से कंपेयर होगा, जो कि कंडीशन सही है. तो हमारे पास यहाँ पे नीचे प्रिंट आई हो जाएगा. अब क्योंकि मैंने आई की वैल्यू भी चेंज तो नहीं की है और इसीलिए हमारी आई की वैल्यू क्या है, हमारी आई की वैल्यू कैपिटल ए ही है, तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल ए ही रहेगा. अब इस चीज को रन करके देखते हैं, और आई गेस रन नहीं कर सकते अभी क्योंकि मुझे सब आई के साथ लोअर लगाना पड़ेगा. Well, sorry for this. Let me do it fast and I can just copy this and just paste this. Simple. Okay, so now if I try to run this code, let me just press this run button and you can just use that function F10, okay, to run something. Okay, so we have this enter the sentence. Let me just write the sentence. Mayank is the best ever coder ever born in India. कुछ ज्यादा ही हो गया तो, पर ठीक है. ओके, सो यहाँ पर मेरे पास टोटल 16 वोवल्स है एंड यू कैन सी सब आ चुके हैं. बट मुझे ये तो चेक करना ही नहीं था, मुझे चेक करना था कि क्या मैं कैपिटल स्मॉल को मैनेज कर सकता हूँ. तो मयंक इज बेस्ट. ओके, सो बस इतना सा लिखते हैं एंड देन लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड. एंड यू कैन सी ओवर हियर दैट वी हैव कैपिटल ए आई ई and then we have 4 vowels. तो अब हमारे जो capital letters भी है वो as a vowel street हो रहे हैं, हमने simply यहाँ पे dot lower use कर दिया इसलिए. ठीक है, तो ये एक standard way है इस question को solve करने का. बाकी आप कुछ जगह देखोगे, कुछ websites में देखोगे तो वहाँ पे ये लोग lower use नहीं कर रहे, वो लोग क्या कर रहे हैं, simply जैसे अभी तक मैंने लिखा था, let me just erase this part. ओके, सो वो क्या करते हैं, इस u के बाद एक और लगा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं स्मॉल लेटर में एक और लगा के उसके बाद वापस लिखते हैं I equals to equal to capital A. फिर वो लोग एक और लगा के लिखते हैं, इस तरीके से वो लोग चालू रखते हैं, वापस सब कुछ कैपिटल में लिखेंगे. तो उससे बेटर यार कि आप लोअर केस यूज करो, बाकी आपकी मर्जी, आपको इन दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा बेटर लगता है. वेल दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन आई गेस, इससे ज्यादा इसमें कोई और तरीका नहीं हो सकता. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम mayank.codes. एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय.